तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो टूर है वो स्टार्ट हो चुका है। हम लोग अभी नौबस्ता बाईपास क्रॉस किए हैं, अभी वो कानपुर में ही है। धीरे धीरे निकलते निकलते आप लोगों को भी साथ साथ एंजॉयमेंट कराते रहेंगे। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुमसे ना हो पाएगा। चैनल का नाम एंड में बताएंगे। चैनल का नाम हम एंड में बताएंगे। होते हुए ये यमुना का किनारा है। ये हमारे हिंदू धर्म की पावन नदी यमुना। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नजारा है, बहुत ही सुंदर। आंखों को इतनी ठंडक पहुंचा रहा है नजारा, मन कर रहा है कि क्या ही बता। ये देखिए हमारे सामने है 84 गुम्बद। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, 84 गुंबद है। ये कितना शानदार बना हुआ है, ये मुगलों के जमाने का बना हुआ है। और ये कालपी के हाईवे के किनारे ही है। हम लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं तो अंदर जाके आपको अच्छे से दिखाते हैं। और मेरे ख्याल से ये गेट खुला भी नहीं है, यहाँ पे यहाँ गेट क्लोज है। पान के जा सकते हैं, बट वो इनलीगल होगा और हम लोग इनलीगल काम कोई करना नहीं चाहते। चलिए आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। भाई सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं हम लोग, 5:30 बजे समथिंग हम लोग निकले हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है 7 बज रहा है और अभी तक चाय का कुछ पता नहीं है। भाई हमारे भाई लोग कहाँ रोकेंगे कहाँ नहीं रोकेंगे, कोई तो अच्छी चाय की दुकान दिख ही नहीं रही है। क्या ही किया जाए, मतलब 4 बजे उठे हैं। और ये जो आपको 4 से 5:30 के बीच का गैप दिख रहा है, संडे में ना रहिए, इस बीच हम लोग 1.5 घंटे सोए हैं, इसलिए लेट हुए हैं। नहीं नहीं, लेट इस वजह से नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। पूरा जो टाइम गया है नहाते धोते उसके बाद रेडी हुए, बाद भी नहाए हुआ कोई नहीं लग रहा होगा। कंट्रोल कंट्रोल, हाँ नहाया धोया तो नहीं लग रहे होंगे क्योंकि ऑलमोस्ट चेहरा उतर चुका है। अब नहाने ही जा रहे हैं वहाँ पे, शायद कोई चाय की दुकान दिखी है हम लोगों को। हम लोग गाड़ी धीरे कर ली है, अब देखना ये है कि यहाँ पे चाय मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। और आगे चल रहे हैं हम लोग, देख ही रहे हैं चाय की दुकान, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। ये हमारे ऋषि भाई छोले भटूरे इनको पसंद आए, तो ये छोले भटूरे की तरफ बढ़कर सुन के रेट ले रहे हैं, देखते हैं। ये हमारे ऋषि भाई मेहनत कर रहे हैं, छाया ढूंढ रहे हैं। छाया किधर है? हम लोग तो माया ढूंढ रहे हैं, बढ़िया छाया ढूंढ रहे हैं। एक छाया छोड़ के चलेगी दूसरी छाया की तरफ। कैसा रहेगा हम लोग का टूर? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। ये हम लोग चाय की तलाश में थे, बट चाय तो नहीं मिली, छोले भटूरे पे हम लोग आ गए। और ऋषि भाई बड़े ही सबसे अच्छा इसमें से आपको भटूरा लग रहा होगा देखने में। हाँ ये तो है, भटूरा सबसे अच्छा दिख रहा है इसमें। ये अपने आयुष भाई मजे लेते हुए छोले भटूरे की। ये अपने निशान जी के तो क्या ही कहने, बड़े थके थके से लग रहे हैं। ये इनकी प्लेट है, ये हमारी प्लेट है। तो भटूरे अच्छा लग रहा है, भटूरे सब में कलर, सब इतने वाइट है भटूरे। कैमरा कैच नहीं कर, वो देखिए पहाड़ का नजारा। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर पहाड़ है। पहाड़ थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा छोटे पहाड़ है, बट आपको देखने में अच्छा लगेगा जरूर। अब ये कॉम्प्लेन पी के आगे बड़ा होगा। हम लोग की देखिए सिधाई का मतलब कोई जोड़ नहीं है, हम लोग की सिधाई का फायदा सिर्फ हम लोग उठा रहे हैं। और कैमरा करिए थोड़ा सा। सबसे ज्यादा जो लुफ्त उठा रहे हैं इस टूर का वो हमारे ड्राइवर साहब, हमारे निशांत ब्रदर। आयुष भाई कुछ कहना चाहेंगे? नींद आ रही है आपको? अरे नहीं बता दीजिए, सोना है सो सकते हैं आप, हम लोग जगे। सो गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है।
ये जगह झांसी से करीब 40 किलोमीटर पहले की है। हम लोग झांसी से भी 40 किलोमीटर पहले हैं। आई थिंक 30-35 होंगे। 30-35 होगा। ये पहाड़ बहुत लंबा है, बहुत दूर तक गया हुआ है। अच्छा, इधर उससे पहाड़ से पहले अब रोड हाईवे किनारे काफी घर वगैरह बन गए हैं, तो पहले कुछ था, ये बहुत प्राचीन टाइप का है। मंदिर दिखा सकते हैं। मंदिर ये है, फाइनली हम लोग झांसी पहुंच ही गए हैं। और झांसी से कुछ किलोमीटर दूर है, मे बी 25-30 या 35, वो अभी हम लोग लोकेशन देख के बता देंगे। दुकान मिली नहीं है, बट ये हम लोगों को चना मिला हुआ है, कुछ मटर है, कोई चखना मिला है। इतना हम लोगों को ढूंढने के बाद ये मिला है, इसको हम लोग चखना स्वरूप लेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और ये कुछ नशेबाजी की चीजें हैं, ये खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे, ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, ये बस हम होट के नीचे रखेंगे, खाएंगे नहीं। इसका शानदार व्यू है, देखिए क्या शानदार व्यू है। हम लोग झांसी क्रॉस कर चुके हैं, ओरछा हम लोगों से 10 किलोमीटर है यहाँ से। ओरछा आपने लिखा है, ये देखिए चलो हम लोग ओरछा में एंट्री कर रहे हैं। गाइस, हम लोग ओरछा में एंट्री कर चुके हैं। ये ओरछा गेट था, चेक पोस्ट देख सकते हैं। देखिए द रॉयल गार्डन, यहाँ शादी ब्याह वगैरह रिजॉर्ट है। हाँ, ये काफी अच्छा पहाड़ है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, एंट्री कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी टूरिस्ट प्लेस है ये। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस, कोई किला है ये, अब कौन सा किला है ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा हम लोगों को। देखना पड़ेगा ये कौन सा गेट है और ये कौन सा किला है। गाड़ी आगे लगाओ गाइस, वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। आई थिंक ये ओरछा किला है, नहीं ऐसा ओरछा किला नहीं है, बट ये दिखाते हैं गाइस आपको, ये कोई तो किला है। लेट्स सी, बने रहिए। ये है ओरछा का किला। अब ये कौन सा किला है गाइस हमें अंदर जाने में पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। अम्मा, ये कौन सा किला है? हाँ, दरवाजा, मोहे दरवाजा, मोहे दरवाजा है। तो अम्मा, ये अंदर जाना जा सकते हैं हम लोग, पूरा घूम सकते हैं? ठीक है, अम्मा ने यहाँ कह दिया है गाइस हम लोगों को घूमने के लिए कि हम लोग अंदर जा सकते हैं। यहाँ के लोकल हैं ये, तो ये ज्यादा जानते हैं इस जगह के बारे में। हम लोगों ने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है गाइस, आप देख सकते हैं गेट के बिल्कुल साइड में। गाइस, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये हमारे आयुष भाई चश्मा लगा के बिल्कुल योयो लुक में है। चलिए चलिए, आप लोग चलिए, आप लोग चलिए। फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, यूट्यूब पे नया हूँ, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को, सब्सक्राइबर्स कम है हमारे, लाइक्स नहीं है वीडियोस पे, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन प्लीज दबाएं, क्योंकि अब मैंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, तो मैं नए नए ब्लॉग्स लाता रहूंगा। ये देखिए प्लीज, बियर की बोतलें।
गाइस ये देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं। बहुत पुराना किला है गाइस ये। यहाँ पे राजा महाराजा तो नहीं पगवा पीते थे, लेकिन कुछ शरारती लोग जरूर पीते थे। गाइस हम लोग ये ओरछा का कोई किला है जहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं, बट यहाँ पे कोई स्थानीय लोग नहीं है जिसके कारण हम लोग जानकारी नहीं ले पा रहे हैं आखिर ये कौन सा किला है, कितना पुराना है मैं बता नहीं सकता आपको। गाइस ये देखिए ऊपर का हिस्सा हमारे काफी बड़ा है, ये देखिए हमारे पीछे ये पूरा दीवार ये घिरी हुई है पूरी, तो अंदर कहाँ तक गया है अभी। गाइस ये काफी मतलब शानदार, तो जितना शानदार है उससे ज्यादा ही डरावना टाइप का लग रहा है बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि मतलब क्या ही है। मैं गाइस मैं धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से जाना ठीक है। गाइस मेरे साथ बने रहिएगा, ये काफी ज्यादा डरावना लग रहा है, देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है। मैं ये देखिए सीढ़ियों से चढ़ रहा हूँ ऊपर। गाइस धड़कने बहुत तेज है, ये मैं ऊपर आ चुका हूँ। दिक्कत ये है गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कितना ज्यादा सन्नाटा है, आप दूर तक देख सकते हैं ओरछा का किला। अब यहाँ पे गाइस क्या था क्या नहीं मैं किसी से हिस्ट्री ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं, समझ रहे हैं आप। आप ये देखिए ये गाइस आप देख सकते हैं ये ऊपर का नजारा है, वो ज्यादा उधर मत जाओ गिर सकता है, ये देखिए ये नीचे है। गाइस कितने हिम्मत करके मैं आया हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं। और ये देखिए गाइस कितना ऊपर है, कितना शानदार नजारा आप देखिए, ये देखिए गाइस जैसे लगता था यहाँ राजा महाराजाओं की बैठक होती थी, बिल्कुल वैसा ही व्यू है। मैं गाइस पता नहीं नीचे कैसे उतरूंगा मैं नहीं जानता, बट मैं गाइस आप लोगों की कोशिश करूंगा कि मैं उतरूं नीचे। ये देखिए मुझे नहीं लगता है कि किसी ने गाइस यहाँ की व्लॉगिंग डाली होगी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए गाइस ये किला है, यहाँ पे बैठक होती थी राजा महाराजाओं की, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जैसे हम लोगों ने पिक्चरों में देखा है। ये देखिए गाइस काफी ज्यादा शानदार नजारा है यहाँ का, और ये कितनी इमारत कितनी पुरानी है मुझे नहीं। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, ये जो भी एक टीला बना हुआ है आइडिया नहीं मुझे कितना पुराना है, बट मे बी ये यहाँ की हिस्ट्री बताता है कि ये कब से बना हुआ है कब बना हुआ है। तो हमें मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार इस पे ध्यान दे और इसको जितना संरक्षित कर सके हमारी सभ्यता को संरक्षित करें। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये व्यू कितना अच्छा है। तो हम लोग कुछ देर बाद मिलते हैं ओरछा नदी के पास, तो बेतवा नदी वहाँ से बहती है, तो वो मेन प्लेस है हमारा मंदिर के पास वाला, तो वहीं पे हम मिलेंगे कुछ देर बाद। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय किया है, यहाँ पे बहुत सारे फोटो शूट हुए हैं। ये मैं रामनगर दरवाजा है, ये गाइस आप लोग देख सकते हैं रामनगर दरवाजा रामनगर गेट है ये, और बहुत ही अच्छी व्यू है बहुत। ये देखिए ये रामनगर दरवाजा है गाइस, ये आप देख सकते हैं। गाइस बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, बहुत ही शानदार व्यू है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स लगे हैं फोटो शूट में। गाइस ये देखिए कितना शानदार नजारा है, बिल्कुल कह नहीं सकते हैं आपको ये किला क्या ही क्या मतलब बयां कर रहा है अपने आप में। काफी वर्षों पुराना है ये, मतलब अब मुझे नहीं पता ये रामनगर करके है तो आई थिंक हिंदुओं का ही ये बनाया हुआ है राजाओं महाराजाओं का, ठीक है गाइस। तो आप लोग प्लीज बने रहिए वीडियो के साथ, आपको और भी लेटेस्ट चीजें मिलेंगी। गाइस हम लोग का यहाँ से चलने का अब समय हो चुका है, हम लोगों ने काफी समय यहाँ पे बिता लिया है, तो अब हम लोग चल रहे हैं ओरछा नदी की ओर। गाइस फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं,
जो हम लोग के ओरछा नदी का वे था, फाइनली हम लोग वहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग को कोई बोट मिल जाए। इसके जस्ट बगल में ही ओरछा किला है, तो सेकंड विजिट हमारी वहाँ होगी, बट फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी यहीं की थी, ओरछा रिवर की। हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे इस जगह का कि हम लोग को कहीं रिवर मिले, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग के निकले हुए हैं। एटलीस्ट 5:30 हम लोग ने कानपुर छोड़ा हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये वाटर फ्लो कितना अच्छा है। कुछ देर बाद हम आपको फिर अपडेट देंगे यहाँ की। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। गाइस फाइनली हम ओरछा रिवर पे आ चुके हैं। आपने वाटरफ्लो अभी ऊपर से देखा था और ये आप रोज आके दिखा रहे हैं वाटरफ्लो यहाँ का। मैं दिखा सकता हूँ कि वाटरफ्लो कितना जाता है। गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा फ्लो है। गाइस कितना ज्यादा फ्लो है यहाँ पे, बहुत ज्यादा फ्लो है गाइस। बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि बिल्कुल फिसल ना जाए हम लोग। लाइक यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे ऋषि भाई बिल्कुल अंदर जाके एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा साफ पानी है गाइस कि आपको बता नहीं सकते हम लोग। बहुत साफ पानी है गाइस। ओ गाइस कितना ज्यादा फ्लो है आप यहाँ से देख सकते हैं। इतना ज्यादा फ्लो है मतलब हम लोग रुके हुए यहाँ पे। और ये देखिए हमारे ऋषि भाई है जो चश्मे के साथ मुंह को धोते हुए यहाँ पे पूरा एंजॉय चल रहा है गाइस। तैरना किसको आता है? और गाइस यहाँ पे तैरना किसी को नहीं आता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे हम लोग कॉर्नर में ही रहे, हम लोग ज्यादा अंदर ना जाए। और आप भी जब भी आना तो कॉर्नर में ही रहना, अंदर मत जाना प्लीज। चाबी देनी, चाबी ना चली जाए। आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा अंदर की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि अंदर इधर इतना ज्यादा फ्लो है, इतना ज्यादा फ्लो है गाइस कि वो आपको सीधा ओरछा किला दिखा देगा। वेट तो हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे इस जगह का, और फाइनली ये जगह आ चुकी है एंड वी आर एंजॉयिंग सो मच। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ये हम लोग का पहले का प्लान था कि हम लोग ब्लूवर्ड जाएंगे कानपुर के पेशक प्लेस पे, बट मैंने शिफ्ट किया प्लान। गाइस अच्छा हुआ कि हम लोग ब्लूवर्ड नहीं गए, अगर चले जाते तो ये एंजॉयमेंट हम लोग वेस्ट कर देते। आप देख सकते हैं रिवर का फ्लो कितना अच्छा है। अच्छा यहाँ उस साइड से आ रहा है, ये वाटर फ्लो है और ये रिवर की डायरेक्शन है किस साइड जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी पीपल्स यहाँ पे आए हुए हैं। गाइस यहाँ बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट हम लोग कर रहे हैं। ये एंजॉयमेंट हम लोग को ना ही नीलांश वाटर पार्क में मिलता जो कि सीतापुर में है, और ना ही ब्लू वर्ल्ड में मिलता जो कि अपने कानपुर में है। और यहाँ हमारे निशांत भाई जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव पर्सन है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये रिवर गाइस बहुत दूर तक गया है। ओके गाइस हम लोग मिलते हैं, अब की बार जो ब्लॉक आएगा वो किले में हम लोग नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ का एंजॉयमेंट हम लोग का पूरा हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं नहाने। ओके गाइस बाय फ्रेंड्स, अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं ओरछा फोर्ट। ये आप देख सकते हैं फोर्ट का ये फ्रंट गेट है, इसको जो एंट्री है थोड़ी साइड से है मेन। अगर आप बाहर से देखेंगे तो बाहर से एंट्री नहीं है, एक कॉर्नर से रोड गई है जो इधर से आती है मंदिर के सामने से, वो इसका मेन एंट्री गेट है। फ्रेंड्स अब हम लोग ओरछा फोर्ट के अंदर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं सामने से ओरछा फोर्ट है और ये इसका एक साइड वे है, तालाब टाइप का है कुछ सूखा हुआ। गाइस हम लोग ओरछा के किले में एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये इतना अच्छा लग रहा है दूर से ही देखने, अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को देखने के लिए, नई नई चीजें। ये बहुत ही शानदार है, मतलब क्या ही बताएं आपको, बहुत शानदार नजारा।
बहुत शानदार नजारा है गाइस। ये है हम लोगों का टिकट काउंटर गाइस, सत्य संरक्षित स्मारक गाइस। पर्यटन सूचना केंद्र, एक महल घूमना हो तो 20 रुपये पर पर्सन, और अगर दोनों महल घूमने हैं आमने सामने जो महल है वो 40 रुपये पर पर्सन। गाइस ये हम लोग महल की एंट्री में आ गए हैं। यहाँ साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ है, राजा महल, जहांगीर महल, शीस महल, हमाम खाना, तोपखाना, उसका एंट्री में मेन एंट्री गेट ही है जिससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ये लेन है जहाँ से हम लोग टिकट लेके आए हैं और ये इसका मेन एंट्री गेट है। गाइस ये अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप एंट्री देखते हैं यहाँ की। ये हम लोग महल के और अंदर जाते हुए आप ये देख सकते हैं काले वाले बंदर, ज्यादा कैमरा नहीं खाएंगे नहीं तो फोन छीन लेते हैं, सुना है। वापिस में नहीं देंगे। शिव मंदिर बना है, अब कितनी प्राचीन मूर्ति है ये तो यहाँ का कोई लोकल गाइड ही बता सकता है। ये सारे वे बने हुए हैं रास्ते ऊपर नीचे जाने के। गाइस हम लोग इंटर कर रहे हैं महल के अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या है देखने लायक। ये है राजा महल, ये डायरेक्शन दी हुई है राजा महल की इस तरफ। गाइस ये देखिए, ये पढ़िए, ये पढ़ने लायक है। राजा महल के निर्माण की नींव राजा रुद्र प्रताप ने ईस्वी सन 1531 में रखी थी, किंतु इसका निर्माण कार्य उसके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद्र ने पूर्ण किया। महल दो भागों में विभक्त है, आवास कक्षों के अतिरिक्त दीवाने खास एवं दीवाने आम इस महल के प्रमुख भाग हैं। इनमें सुंदर भित्ति चित्रों का उल्लेख है। इन चित्रों की विषय वस्तु मुख्यतः श्रीमद् भगवद गीता के, श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला एवं रामायण की कथा वस्तु है। इसके अतिरिक्त पौराणिक कथाओं में विष्णु के दशावतारों का सुंदर चित्रण है। मल युद्ध नायक नायिकाओं एवं राग रागनियों का लौकिक चित्रण भी महत्वपूर्ण है। भित्त चित्र 16 से 17वीं सती ईस्वी की बुंदेली शैली में चित्रित किए गए हैं। ये देखिए गाइस कितना बड़ा महल है, गाइस कितना बड़ा महल है, कितना ही मतलब पुराना है ये। अभी हम लोगों ने जस्ट इंटर किया है यहाँ पे, टिकट वहां से परचेस की थी बट टिकट चेक इन्होंने यहाँ पे किया फाइनली, क्योंकि आई थिंक ये मेन एरिया है स्पॉट का जिसको हम लोग राजा महल कह रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपने जितनी भी हिस्टोरिकल मूवीज होगी उनमें देखा होगा ऐसा ही कुछ सीन होता है, साइड साइड से ऊपर बाउंड्रीज होती हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। एक गेट बना हुआ है, ये देखिए बुंदेलखंडी चित्रकारी कुछ करी है यहाँ के लोकल लोगों ने आके, ये देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये पढ़ सकते हैं आप, इधर पढ़ सकते हैं, इस वॉल पे पढ़ सकते हैं आप।
ये चित्रकारिता यहाँ के लोकल लोगों ने करी है, जो नहीं करनी चाहिए। अच्छा सो गाइस, हम लोग अंदर घूम रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग बहुत थक गए हैं। इतना बड़ा महल है कि पूरा घूम ही नहीं पाए। और ये देखिए, हम लोग एक लगता है जेल परिसर है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस, ये अंदर से देखिए गाइस, ये स्नान कक्ष है। ये देखिए, ये बोल सकते हैं पुराने समय में लोग यहाँ पॉटी किया करते होंगे। ये पुराना पॉटी कक्ष है, यहाँ की स्मेल तो काफी आ रही है, इससे पता चलता है यहाँ पर कितनी सदियों से यहाँ पॉटी गिरी जा रही होगी। ये देखिए गाइस, ये पुराने जमाने की लैटरिन है, एक साथ खुले में लोग कितने लोग बैठ जाते होंगे। हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं गाइस, अभी बाप रे कितनी ऊंची ऊंची। ये देखिए, ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। गाइस हम लोग और ऊपर की तरफ बढ़ गए। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चित्रित है कहीं ना कहीं उसमें ये चीजें दर्शाई गई हैं, जैसे कि एक राजा जो कई सारी रानियां होती थी और कई सारे मतलब उनकी सेनाएं होती थी, ये सभी चीजें इसमें दर्शाई गई हैं गाइस। ये पुरानी सभ्यता को दर्शाती है, ये शो करती है कि हमारे हिंदू संस्कृति के राजा महाराजा भी। वाह, कितना शानदार नजारा है। बस गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है इन सब चीजों पर, बस टिकट ही है, बस टिकट ही ले रहे हैं लोग। साफ सफाई पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं है, बस बाहर ही बाहर साफ सफाई है, अंदर कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही बस पड़ा हुआ। कहीं दारू की बोतलें पड़ी हुई गाइस, कहीं पानी की प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है, नहीं लाइक सब गंदा लगता है गाइस। इतना बड़ा महल, इतना प्राचीन महल, और उसके बाद इसको अच्छे से उसकी साफ सफाई रख रखाव नहीं हो रहा है, बुरा लगता है। तो गाइस ये महल का मंदिर का पार्ट है, और यहाँ पे श्री राजा राम की चित्र है, जो जिसमें हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सभी दिखाए गए हैं उनकी पूजा करते हुए। तो गाइस ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस महल के अंदर का, ये मंदिर परिसर है गाइस। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको सारे देवी देवताओं की पुरानी फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे राजा की बहुत सारी रानियाँ, यहाँ पे साक्षात राम जी एंड हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ब्रह्मा जी, सभी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये मंदिर रूपी बना हुआ है, और कितनी ही प्राचीन चित्र है यहाँ पे। ये देखिए राजा के सामने, ये गाइस होटल तीस महल। ये हम लोग के सामने ओरछा का दूसरा महल, वो तो राजा महल था, और अब ये पास में चलने के बाद पता चलेगा कि ये कौन सा महल है। ये जहांगीर महल है गाइस, वो राजा महल था, और ये आप देख सकते हैं ये जहांगीर महल है। ये देखिए, इसको हम लोग एक अच्छे से वीडियो ले लेते हैं। चलते हैं गाइस ऊपर महल की तरफ। बट गाइस मैं अगेन आपको सजेस्ट करूंगा, आप जब भी इस प्लेस पे विजिट करने आना, सर्दियों में ही आना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज सपोर्ट करते रहें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
थैंक यू सो मच गाइस। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।